नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे चुटकियों में अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने पैन और आधार को कैसे मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफे में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं, आपको किसी दुकान पे जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आजकल पैन और आधार लिंक के लिए लोगों को आप देख सकते हैं कि जो है दुकान पे जहां भी कहीं भी पैन आधार लिंक होता होगा आप वहां पे देखेंगे 10 से 15 या 20 या 50 लोगों की लाइन लगी होगी, क्योंकि पैन और आधार लिंक करना अब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन जो है अमान्य हो जाएगा। इसलिए लोगों की जो है हर जगह साइबर कैफे या जहां पे भी पैन आधार जो कोई शॉप पे कोई अगर लिंक कर रहा है तो वहां भारी लाइन देखने को आपको मिल सकती है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखकर समझ और सीख लिया है तो आप भी घर बैठे एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली का जो एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है गवर्नमेंट का जो 1000 है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार आपको 1000 रुपीज पे करने के बाद ही आपका पैन और आधार लिंक होगा। कहीं कहीं तो साइबर कैफे में 500 रुपए तक जो है एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं पैन से आधार लिंक करने के लिए। तो मैं आपको अगर एक पैन कार्ड का अगर आप लिंक करने जाओगे तो मिनिमम 100-150 रुपए तो कोई ना कोई लेगा ही लेगा आपको जो है फ्री में, तो आज के टाइम पे कोई नहीं करके देगा, आपको भी पता है। अगर आप कहीं साइबर कैफे में जाएंगे तो वो अपना चार्ज लेगा, या कहीं जहाँ पे पैन और आधार लिंक होता होगा वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां वो दुकानदार अपना चार्ज कुछ ना कुछ तो आपसे जरूर लेगा। जब पैन आधार लिंक करना नहीं आता तो जाहिर सी बात आप किसी साइबर कैफे या दुकान पे जाओगे जहां पे वो पैन आधार लिंक करना पड़ेगा। आपको वहां पे जाने के बाद जो है हो सकता है लंबी लाइन या कतार में आपको धूप में खड़े होना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे देखने के बाद जो आपको घर बैठे आपको पैन आधार लिंक करने बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। आप भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों का पैन आधार लिंक घर बैठे कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं। वो भी कैसे, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप स्टेटस रख सकते हैं कि आपको पैन और आधार लिंक करना आता है, और आप जो है घर बैठे पैन और आधार बिल्कुल बेसिक पैन आधार और मोबाइल नंबर OTP के जरिए आप जो है ऑनलाइन मोबाइल फोन से आप पैन आधार लिंक कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टेटस रखना है, आपके फोन में जितने भी आपका कॉन्टेक्ट होगा जैसे चाहे आपके फ्रेंड होंगे चाहे फैमिली होंगे या चाहे रिश्तेदार होंगे, अगर आपके स्टेटस देखेंगे तो आपको उनको अगर उनका वाकई में पैन से आधार लिंक नहीं होगा तो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको 10 या 15 भी कांटेक्ट अगर ऐसे ही मिल गए आपके रिलेटिव या फ्रेंड तो आपको घर बैठे 1500 रुपए आपकी इनकम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पैन और आधार लिंक करना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप घर बैठे भी प्रोसेस कर सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड आधार कार्ड और साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आए, और आपका तभी जाके पैन और आधार लिंक होगा। अगर OTP नहीं होगा, OTP नहीं आएगा उस नंबर से ही, तो आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा पैन और आधार डालने के बाद। दूसरा स्टेप जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा पैन और आधार डालकर मोबाइल नंबर से वैलिडेट करके अपडेट जो है करना पड़ेगा। तीसरा आपको जो है चेक आधार स्टेटस लिंक पे क्लिक करके आप इस आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पैन और आधार लिंक हुआ या नहीं। तो अभी दोस्तों अभी हम इनकम टैक्स की साइट पे आए हैं और यहाँ पे हमें लिंक आधार पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा पैन नंबर और आधार नंबर हमें डालना है, वैलिड पैन नंबर और आधार नंबर, और क्लिक टू पे थॉट ई पे टैक्स, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें वापस से हमारा पैन नंबर डालना है, वापस से कंफर्म करना है, और हमारे पास जो मोबाइल नंबर है उसे डालकर कुछ इस तरीके से वेरीफाई करना है जैसे आपको स्क्रीन में इस समय दिख रहा है। अगर OTP वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, और आपको ओके करना है और इनकम टैक्स साइट पे वापस से प्रोसेस करके जो है असेसमेंट ईयर 23 और 24 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अदर रिसिपेंट जो है 500 क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे जो है आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ है जो गवर्नमेंट का टैक्स जो आपको लेट फी पे करना है, वो 1000 रुपीज़ है। वो पे करने के बाद दोस्तों जैसे ही पे करेंगे, बहुत सारे लोग पे करने के बाद वो अटक जाते हैं, वापस से आपको फिर से ये इनकम टैक्स की साइट पे आना है और आपको वापस से लिंक आधार पे क्लिक करना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वापस से सेम प्रोसेस, आपका आधार नंबर पैन नंबर, आपको वापस से पैन नंबर डालना है, पहले वापस आधार नंबर डालना है,
पैन आधार डालने के बाद आपको एज़ पर आधार जो आपका नाम होगा वो आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये दोनों टिक करना है, आई हैव ओनली, किसी किसी में डेट ऑफ बर्थ होता है तो इसके लिए हमें दो क्लिक करके ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन आपको दिखाई देगा। जैसे आप वैलिडेट करेंगे, ये आधार ओटीपी है, क्योंकि जो है किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ सिप दिया रहता है जिसके लिए ये आधार ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है। तो आधार ओटीपी करने के बाद तीसरा स्टेप आता है दोस्तों कि आपको आपका स्टेटस आपको चेक करना है, क्योंकि आपने पेमेंट भी कर दिया, प्रोसेस भी कर दिया है, तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए लिंक आधार पे वापस से जाना है आपको, और यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करना है, आपको पैन और आधार आपका डालना है। पैन आधार डालने के बाद इसको चेक ओके करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा कि आपका जो है पैन और आधार जो है अभी अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि वो तुरंत नहीं होता है, कभी कभी 48 आवर्स के बाद होता है, कभी एक दो तीन दिन के बाद, या कभी कभी अगर कुछ इंटरनल आपका अटक गया तो हफ्ता भर भी जा सकता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो वापस से आपको ये आपको पैन और आधार डाल के सेम जैसे मैंने अभी स्टेटस पे आपको लिख सिंपल आपको पैन आधार लिंक स्टेटस पे क्लिक करके आपका पैन आधार डिटेल डालकर आपको चेक करना है, कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई देगा, आपका पैन आधार लिंक हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको अच्छे से समझाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे।